गुड इवनिंग आज हम लोग क्लास एट का चैप्टर नंबर टेन ले रहे हैं एंड चैप्टर का नेम है प्राइड एंड प्रिजुडिस तो ये न्यू इमेजेस का बुक का है ओके okay. प्रिजुडिस uh, का मीनिंग जैसा आपको पता होगा पीछे भी दिया हुआ आपकी बुक में एंड डिसलाइक ऑफ और प्रेफरेंस फॉर ए पर्सन और ए ग्रुप स्पेशली वैन इट इज़ बेस्ड ऑन देयर रेस जेंडर और रिलीजन तो हम किसी पर्सन को देख के उसके बारे में हम लोग जजमेंट दे लेते हैं कि वो इस तरह का होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करता है या पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है उसको पेजिडिस बोलते हैं ओके नाउ प्राइड इन प्रिजिडिस व्हेन ह्यूमिलिटी टेक्स बैक सीट सबसे पहले कलेक्ट करेंगे व्हेन डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सम ऑफ प्रस यू हैव फेज और हैव हर्ड ऑफ लिस्ट ऑफ यू बिकॉज चैप्टर इसके बारे में है तो आपके आपको उसे कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है कि आप प्रिजिस के बारे में क्या समझते हैं और ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी जब आपने आपके साथ ऐसा हुआ हो या आपने ऐसा कुछ सुना हो रिफ्लेक्ट हैव यू अवर बीन इन ए सीचुएशन वेरी फेल्ड जज बाय अदर पीपल अराउंड यू समाइम हम लोग की सिचुएशन ऐसी हो जाती जहाँ चाहे हमने कुछ इस तरह के कपड़े पहन रखे है होते हैं या पर्टिकुलर जेंडर के बारे में कुछ लोग जजमेंट लेने लगते हैं और ऐसी सिचुएशन में आप कुछ फंस गए हों या ऐसी सिचुएशन में आप हो तो उस समय आपने ऐसा कुछ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है व्हेन डिड दिस हैपन और हाउ डिड यू मेक यू फील टेल द क्लास इमेजिन यू सी ए पुअर गिल बींग मिसट्रीटेड बाई रिच किड्स हाउ वुड यू स्टॉप इट एंड वाट वुड यू टेल द किड्स मेक ए कॉमिक स्ट्रिप ऑफ द इंसिडेंट ऑन द इंसिडेंट तो ऐसा इंसिडेंट अगर आपने देखा हो तो आपको एक उसके बारे में आप क्या रे, कैसे रिएट करेंगे और उसके बारे में आपको एक कॉमिक स्ट्रिप कॉमिक बना के थोड़ा सा समझाना है ना बिफोर यू रीड में सबसे पहले ये जो चैप्टर लिया गया है वो लिया गया है एक राइटर थे जेन ऑस्टिन ऑस्टिन इज़ वन ऑफ द फेमस सिंगल्स ऑथर ऑफ ऑल द टाइम एंड हर फेस इवन ग्रेसिस द टेन पाउंड नोट ऑफ हर कंट्री इंग्लैंड तो एक फेमस इंग्लिश ऑथर थी ये और उनका जो अभी भी पिक्चर जो है वो एक पाउंड टेन रुपीज़ के टेन पाउंड पे छपा हुआ है ऑस्टिन सिन वॉज बॉर्न इन हेम्पशायर एंड स्पेंड मच ऑफ इस हर चाइल्ड हुड एट होम इन स्टैंड टाउन सी इंजॉयड स्टेजिंग प्लेस विथ हर सिबलिंग्स हम अपने, अपने फैमिली में जो उसके साथ जो बच्चे थे उनके साथ खेलती थी एंड राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज प्राइड एंड पिजडिस विच शी कम्प्लीटेड राइटिंग एट दी एज ऑफ ट्वेंटी वन तो छोटी सी एज में उन्होंने ये नावल लिख दिया था एंड नाव नावल के बाद ये तो बहुत पहले का नावल था इसको कैसे इस तरह से अभी रिप्रिंट किया गया है सी जे स्लैमंडर इज अ राइटर ऑफ फिक्शन ही स्टार्टेड राइटिंग इन टू थाउजेंड ट्वेल्व हेन इज स्टोरीज एंड कॉमिक्स बीन पब्लिश इन वेरियस मैगजीन न्यूज़पेपर एंड शॉर्ट स्टोरीज एंथोलॉजीज एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स या स्टोरीज ही अडोप्ट दिस एक्सर्ट फ्रॉम द नॉवल नॉवल प्राइड एंड फॉर ए कॉमिक रिप्रेजेंटेशन तो जो जैन ऑस्टन की जो नावल थी वो इन्होंने कॉमिक फॉर्म में लिखे आए हैं इसमें नाम जोश इज अ फ्री लास्ट इलेस्टेटर फ्री लांस मतलब जो खुद अपने से काम करते हैं और उसको अपनी जो क्रिएट जो क्रिएटिव वर्क है जो अपना उनका वर्क है वो उसको सेल करते हैं इलस्ट्रेटर बेयर बेस्ड इन चेन्नाई इंडिया शी इलस्ट्रेटेड दिस कामिक कॉमिक को उन्होंने इलस्ट्रेशन किया है प्राइड एंड प्रस इज अमिक्शन ऑफ अ चैप्टर इन ऑस्टन प्राइड एंड प्रिजिस थ्रोइंग लाइट ऑन दोशल कन्वेन्शन सोशल कन्वे मतलब सोशल नॉम्स ऑफ हर एज उसके टाइम में किस तरह के नॉम्स जो होते हैं भी उस तरह की उसके बारे में बताया है ऑस्टन शोज हाउ क्लास एंड जेंडर रिमेन मेजर इश्यूज ड्यूरिंग एटीन एंड नाइनटीन सेंचुरीज तो क्लास जेंडर एक एक मेजर इशू था वो टाइम में जिसके ऊपर उन्होंने ये लिखा है तो चैप्टर को एक कॉमिक फॉर्म में है उसको रीड करेंगे क्या स्टोरी बनती है एवर सिंस इज अराइवल इन नेबरहुड मिसिज बेनेट फॉन्डली फॉन्डली होप दैट हर एल्डस्ट डॉटर जेन वुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द वेल्दी मिस्टर बेंगली तो मिस्टर बेंगली जो थे एक, एक मिसिस बेनेट के पड़ोसी आके रहे थे और वो बहुत वेल्दी थे और ये मिसिस बनेट को लगता था कि उनकी जो एलडेस्ट डॉटर है वो उसकी तरफ वो है आ, मिस्टर बेंगली जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे ऐसा लगता था उनको फील होता था वेल जैन हु इज इट फ्राम वाट इज़ अबाउट एंड वॉट डज ही सेज मेक हेस्ट एंड टेल्स तो जैन को पूछ रही है कि क्या है कहाँ से आया है लेटर और जल्दी से हमको बताओ करके बोले तो लेटर में क्या लिखा है माई डियर फ्रेंड इफ़ यू आर नॉट सो कॉम्पेंसिनेट कम्पेसिनेट

तो इन्होंने बोला कि जल्दी से जितना जल्दी जैसे ही आपको लेटर मिला उसके साथ ही आप यहाँ पर आ जाइए हमारे यहाँ आ जाइए करके उन्होंने बोला और ये कैरोलिन बेंगली ने लिखा था ना अब जैन पूछती है मदर से मदर मे आई हैव द कैरेज वैन आई गो कैरेज मतलब जो घोड़ा गाड़ी है वो ले जा सकती हूँ नो माई डियर यू बेटर गो ऑन हॉर्स बैक हॉर्स पे जाओ करके बोली। तो इट सीम्स लाइक लाइकली टू ड्रैन यू मस्ट स्टे देन यू मस्ट डे ऑल ऐसा लग रहा है कि रेन हो जाएगी और तुम हॉर्स बैक में जाओगी तो तुमको वहाँ रहने को मिल जाएगा पूरी रात देट वुड बी ए गुड स्कीम इफ़ यू आर श्योर दे वोट सेंड हर होम वो उसकी सिस्टर जो है एलजोबे उसका नाम आगे आएगा वो बोल रही है अच्छी स्कीम अगर उन्होंने वापस अच्छा नहीं भेजा तो आई वुड मच रादर गो इन द कोच वो बोली मैं कोच में जाऊंगी बट माई डियर योर फादर कैन नॉट शेयर द हॉर्से तो वट तो उसकी मदर बोली नहीं नहीं वो तुम्हारे फादर जो है वो हॉर्सेस नहीं दे सकते हैं उस कैरेज ले जाने के लिए तुमको तो हॉर्स बैग पर ही जाना पड़ेगा करके बोल दी तो फाइनली वो हॉर्स बैग में उसको हॉर्स के उसको भेज दिया ए लिटिल आफ्टर जेन लेफ्ट होम इट बिगेन टू तो रेन हार्ड द रेन कंटिन्यू द होल विदा इवनिंग विदाउट इंटरमेशन जेन सटनली कु नॉट कम बैक और थोड़ी देर में बारिश होने लगी और वो वापस नहीं आ पाई हर सिस्टर और अनजी फॉर हर उसकी सिस्टर परेशान हो गई थी बट हर मदर वॉज डिलेटेड डेट हर प्लान हिट वर्क सो वेल बट उसकी मदर तो यही चाहती थी कि वो रात को वहाँ रुक जाए जिससे मिस्टर बेंगली जो है उसको और अच्छे से जान ले और जैसा ही हुआ वो उसको वहाँ पे रात को रुकना पड़ा द नेक्स्ट डे एक लेटर आया उनके यहाँ से मिस्टर माई डियर एस लिजी लीजी के नाम पर लिखा था आई फाइंड माई सेल्फ वेरी अनवेल दिस मॉर्निंग विच आई सपोज इज़ टू बी इम्पूटेड टू माई गेटिंग वेट थ्रू येस्टरडे तो मैं बहुत बीमार पड़ गई हूँ और ये इम्प्यूटेड को मतलब ब्लेम करते हूँ जो बारिश में भीग गई थी उसके कारण माई कैंड माई काइंड फ्रेंड्स विल नॉट हियर ऑफ माई रिटर्निंग टिल आई एम बेटर दे इंसिस्ट ऑल्सो ऑन माई सिंग मिस्टर जोन्स देर देर फो डू नॉट बी अलाम इफ यू कोड हियर ऑफ हिज हैविंग बीन टू मी And accepting एक्सेप्टिंग sore throat थ्रॉट headache, हेड एक देर इज़ नॉट with मैटर विथ मी यू आर आवर जेन पेन तो जेन ने वहाँ जाके एक लेटर लिखा कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ और ये लोग मुझे आना नहीं दे रहे वापस क्योंकि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊँगे जॉन जो है आई थिंक डॉक्टर होंगे वो उनको देखने आएंगे करके बोल रहे हैं बट आप ज़्यादा परेशान नहीं होना मेरे खाली थोड़ा थ्रॉट थोड़ खराब है और हेड एक है ऐसी वो बोली वेल माई डियर इज जैन फॉल्स डेंजरसली इल और डाइज इट वुड बी कम्फर्ट टू नो दैट इट वॉज इन pursuit ऑफ मिस्टर बिंगली तो उसके फादर बोलते हैं जिनकी कि अरे अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और मर गई तो ये सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग मिस्टर बिंगली को चेस करने के लिए हमको हम लोगों ने उसके पास भेजा था uh, चेस करने के लिए मतलब ये दे वन टू के साथ उनका रिश्ता हो जा करके ये लोग सोच रहे थे बट इस तरह से अगर वो बीमार पड़ जाएगी और कुछ हो जाएगा तो उनको ऐसा लगा कि लोग ऐसे सोचेंगे ओ पीपल डो नॉट डाइव अटिल फ्री कोल्ड शी विल बी वेल टेकन केयर ऑफ़ देयर उसकी मतलब बोलती है अरे छोटे मोटे जुकाम से कुछ नहीं होता है वहाँ पे वो लोग अच्छे से टेक केयर करेंगे उसकी ना एलजाब फील अन वो चिंता में पड़ गई वह जो उसकी सिस्टर थी वॉज डिटर टू गो टू हर सिस्टर कैरेज वॉज नॉट अवेलेबल एंड एस शी वॉज नो हॉर्स वुमेंस वॉकिंग वॉज हर ओनली तो कैरेज अवेलेबल नहीं था पे जाना चाहती थी और ये हार्स वूमन नहीं थी मतलब वो हॉर्स पे उसको राइड करना नहीं आता था तो उसने सोचा कि मैं गली जाऊँगी उसकी मदर बोली हाउ कैन यू बी सो सीली यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन देयर वैन यू गेट देयर तुम वहाँ कैसे जा सकती हो तुम जब तक वहाँ पहुँचे हालत एकदम ख़राब हो चुकी होगी और अब तुम अपने आप का शकल दिखाने लायक नहीं रहोगी उन लोग को वो बोलती है आई शैल बी फिट टू सी जैन विच इज़ ऑल वे वैं इतनी फिट रहूँगी कि मैं जैन को जाके अच्छे से देख सकूँ मैं इतना ही चाहती हूँ उसकी सिस्टर अलज बोली उसके फादर बोलते हैं इस दिस से हिंट टू मी लिजी टू सेंड हर फॉर दी हॉर्सेस क्या मैं हॉर्सेस भेजूँ करके ऐसा बोली नो आई डोंट विश टू अवॉइड द वॉक मैं मैं वॉक करना चाहती हूँ द डिस्टेंस इज नथिंग वैन वन हैज ए मोटिव ओनली थ्री माइल्स आई शैल बी बैक बेड डिनर वो बोली मैं चली जाऊँगी पैदल तीन माइल थ्री माइल्स ही तो है तो इस तरह उसको पैदल जाते हुए जाते हैं और पूरी मड में भर जाती है बारिश में कीचड़ उचड़ में सब में भर जाती है हो जाते जाते हैं तो वहाँ पहुंचती है तो इस तरह का सीन क्रिएट हो जाता है ओ, सब लोग सरप्राइज होते एकदम सही हुई थी कीचड़ में जेन है जब उसकी तो उसकी जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको दिखाते हैं कि जेंट्स हो रही है और वो ली अपने रूम में रूम से भी बाहर नहीं निकल पा रही है द डॉक्टर आर हेड क्वार्टे ए वायलेंट कोल्ड तो डॉक्टर आया उन्होंने देखा कि एक बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है ही एडवाइज जेन टू स्टे इन बैड एंड एडवाइज दैट फॉलोड रेडिली एंड फॉर फीवर हैड इंक्रीज एंड एज एक्टली तो जैन को बिस्तर में पड़े रहना पड़ा और उसको जो फीवर जो बढ़ गया था और उसका हेड भी जो था बहुत पेन कर रहा था मैं द क्लॉक स्ट्रक थी एलिजैथ फेल्ट देर शी मस्ट गो होम प्लीज डोंट गो तो एलिजब जो थी वो तीन बजे जाना जाने जाने के लिए तैयार हो गई बट जो उसकी जो सिस्टर थी जो जैन उसने रोक लिया उसको निस बिंगली वॉज ऑब्लाइज टू इनवाइट एलिजथ टू रिमेन एट नैदर फील्ड फॉर द प्रजेंट आई एम स्टेइंग हीय जेन आई राइट राइट हीयर जेन एंड जेन एलजबेथ ने बोला ठीक है मैं यहाँ रुक जाती हूँ ए सर्वेंट वॉज ड्यूली सेंट टू लॉन्ग बॉन्ड टू ब्रिंग बैक ए सप्लाई और क्लॉथ्स और उनके घर पर उन्होंने उन्होंने एक सर्वेंट भेज दिया जो से वो उनके कपड़े लेके आ जाए उन दोनों के कपड़े लेके आ जाए ना ना वैन एलजबेथ वैन डाउन स्टे टू डिनर शी वॉज क्यूकली रिमांडेड वाई शी डिसाइक मिस्टर बिंगली सिस्टर दे वर शॉकिंगली कोल्ड एंड इन डिफरेंट अबाउट जैन वैन शी वॉज नॉट अराउंड तो जब वो डिनर की टेबल पर गई एलिजथ तो उन्होंने उसको लगा कि उसकी जो मिस्टर बिंगली और उसकी सिस्टर जो है मिस्टर बिंगली की सिस्टर जो है एकदम उनका एटीट्यूड जो था उसकी तरफ अच्छा नहीं था उसको मालूम पड़ गया था कि ये जैन यहाँ पे नहीं है तो इनका एटीट्यूड एकदम से एलिजथ एल्ज़व, की तरफ अच्छा नहीं था क्योंकि उसको इनफीरियर समझ रही थी वो When went back upstairs, जब वो ऊपर गई तो ये लोग बातें करने लगे शी इज़ वेरी इल मैनर्ड नो कन्वर्सेशन नो स्टाइल नो टेस्ट नो ब्यूटी बोलने लगे कि अरे कुछ मैनर्स नहीं है इसके अंदर में कोई बातचीत नहीं करती कुछ स्टाइल नहीं है कोई अच्छा टेस्ट नहीं है कोई ब्यूटी भी नहीं है शो इन लोग वाइल्ड वेंसी केम दिस मॉर्निंग एकदम कैसे वाइल्ड दिख रही थी जब वहाँ आई थी हर एयर वॉसो अन्टाइड वाई मस्ट सी स्कैम्पर स्कैम्पर का मतलब है इतना हरी में क्यों आई हो अबाउट कंट्री बिकॉज हर सिस्टर हैड ए कोल्ड कोल्ड हो गया इसलिए इसको इतना हरी में आना पड़ा आई होप यू सॉ हर पेटीकोट सिक्स इंच मट देखो क्या है किचड़ में पूरा उसके कपड़े सहने हुए थे आई थॉट मिस एलजथ बेनट लुक रिमार्केबली वेल वैन शी केम इन टू द रूम दिस मॉर्निंग हर डर्टी पेटीकोट क्विट स्केच और पाइनो है अभी यहाँ ये जो पर्सन थे वो बोल रहे हैं अरे मिसल जब ठीक कितनी अच्छी दिख रही थी मैंने उसको नोटिस ही नहीं किया था कि उसके कपड़े जो है इतने कीचड़ों पर भर मिस्टर डार्सी उसका नाम है आई एम श्योर यू वुड नॉट विश टू सी योर सिस्टर डू द सेम आपको मैं सोचती हूँ कि आप अपनी सिस्टर को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे सर्टेनली नॉट इट शोज एन अबोमेनिक एमोनीबल सॉर्ट ऑफ कंसीटेड इंडिपेंडेंस एंड इनडिफरेंस टू डेकोरम तो बड़ी बड़ी इंग्लिश में उन्होंने बोलने लगे अमोनीबल का मतलब होता है टेरेबली और एक्सट्रीमली बैड सॉर्ट ऑफ कंसेटेड का मतलब है टू मच प्राउड फील कर फील होता है और इनडिफरेंट डेकोरम मतलब डेकोरम का मतलब जो प, प, एक सोसाइटी में प्रॉपर मैनर रखा जाता है वो ये सब नहीं है करके वो बोले थे वो वो बता रही थी कि ये सब बहुत बेकार लगता है वो बता रहे थे बहुत बेकार लगता है इस तरह का इंडिपेंडेंस या इस तरह की केयर फ्री एटीट्यूड जिस तरह से वो कीचड़ में सन के आ गई थी इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सोसाइटी में रहते थे आपको एक प्रॉपर वे में रहना चाहिए करके वो बोला उन्होंने उस तरह से इट शोज़ एन अफेक्शन फॉर हर सिस्टर दैट इज़ वेरी प्लीजिंग आई एम मिस्टर डारसी दैट दिस एडवेंचर हैज़ रादर अफेक्टेड योर एडमायरेशन ऑफ हर फाइन नॉट एट ऑल देर ब्राइट एंड बाई दीचर बाई दी एक्सरसाइज आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे कि आपको उसकी सिस्टर के साथ थोड़ा अफेक्शन है करके इस तरह से डार्सी को ऐसा बोल रहे थे आई विश विथ ऑल माई हार्ट डेट जेन बेनेट वर वेल सेटल बट विद सच ए फर एंड मदर एंड सो लो कनेक्शन सच लो कनेक्शन तो जैन बेनेट के बारे में वो बातें कर रहे थे कि वो हो सकता है वेल सेटल वेल सेटल हो बट उसके फादर और मदर कैसे हैं और कितने उनके लो कनेक्शंस हैं That does not make them नॉट less एकदम but it is very materially lessens their chances of marrying men of any consideration. वो बोले कि वो ये इस तरह से वो पर्सन बोल रहा था कि उनके बहुत लेस चांस है कि वो किसी अच्छे घर में शादी कर सकें एलजबेथ जॉइन दस इन ड्राॅइंग रूम आफ्टर द जैन वॉज आई मिस एलिज एलिजा बेनेट इज़ ए ग्रेट रीडर एंड हैज़ नो प्लेजर इन एनी थिंग गलता वो ताने मारने लगे मतलब उससे फप्तियाँ कसने लगे कि किस तरह से आ, वो खाली बुक्स में लड़ाना चाहती है और उसको कुछ और अच्छा नहीं लगता डू यू प्रीफर रीडिंग टू कार्ड्स वो भी उससे भी पूछने लगता है क्या तुम रीडिंग करती हो कार्ड्स के खेलने के अलावा पसंद करती हो देन ये बोलने बोलने लगी एलिजथ आई डिजर्व नाइदर सच प्रेज नॉट सच सेंसर सेंसर मतलब क्रिटिजम आई एम नॉट ए ग्रेट रीडर एंड आई हैव ए प्लेजर इन मैनी थिंगस वो बोली कि मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना मुझे तारीफ़ चाहिए ना तुम्हारा क्रिटिसिजम चाहिए uh, मैं बहुत बड़ी रीडर नहीं हूँ बट मैं मुझे और भी बहुत कुछ पसंद है आई एम श्योर यू हैव प्लेजर इन नर्सिंग योर सिस्टर बोला देन इट एज़ बिन दर्थ योर एट पेम्बरेली डोंट यू मिस्टर डारसी डारसी को बोली पेम्बरली मतलब यहाँ पे बैरली हिल्स एक जगह उसका नाम है कि आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है वहाँ मैनी जनरेशन मैं मतलब हमारे खानदान में ऐसा चला रहा एंड यूर सो मच टू इट यू बुक्स और आपने भी बहुत सारी वहाँ खरीद के रखी करके वो लेडी बोली इज मिस डारसी मच ग्रोन सिंस द स्प्रिंग आई एम श्योर शी इज नाउ नाव एज आई एम तो ऐसे बोलिए कि वो डारसी की जो आपकी सिस्टर है, है इतनी बड़ी होगी होगी हो मेरी जिती इट इज अमेजिंग हाउ यंग लेडीज कैन हैव द पेशेंस टू बी सो वेरी अकम्पलिश एंड सच ए डिलइटफुल गर्ल सच ए कॉन्टिनेंस कॉन्टीन मतलब फीचर जिसके अच्छे होते हैं सच मैनर्स एंड सो एक्सट्रीमली अकम्पलिश फॉर हर एज तो कितनी अच्छी लगतीज्लिश वॉट डू यू मीन यस दे ऑल देबल्स कवर्स स्क्रीन एंड नेट पर से आई डू नॉट नो एनी वन हु कैन नॉट डू ऑल दिस तो बोला ये सारी गल्स आजकल ऐसे ही करती है, करके. है, ऐसे हैं करके ऑल सारी ऐसे मतलब आपका करके बोला है ये